हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नरद भाभी में। मैं रुचि आज आपको बताऊंगी कैसे आप घर पे नेचुरल तरीके से फेस पैक बना सकते हैं। इस फेस मास्क को बनाने के लिए हमें चाहिए नेचुरल एलोवेरा की पेस्ट, हाफ टी स्पून हल्दी, विटामिन ई की एक कैप्सूल और गुलाब जल। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा फेस मास्क बनकर के रेडी हो गया है। अब इसे हम फेस पे अप्लाई कर लेंगे। आप चाहे तो इसे हाथ की मदद से या फिर ब्रश की मदद से लगा सकते हैं। ये सारी नेचुरल चीजों से बना है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसे हफ्ते में एक बार यूज कर सकते हैं। हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं। ध्यान रहे आप अपनी आंखों को बचा करके इसको अप्लाई करें। ये फेस मास्क आपको सन टैन से बचाता है। जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है और हम लोग अपने पार्लर नहीं जा सकते, इस फेस पैक के थ्रू आप अपने चेहरे पे एक नई रंगत ला सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा फेस पैक कितने अच्छे से अप्लाई हो गया है। अब मैं अपने चेहरे पे इसको 20 मिनट तक सूखने दूंगी। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से सूख गया है। अब मैं इसे गीले टॉवल से हल्के हाथ से पोंछ लूंगी। आप देख सकते हैं मेरा चेहरा कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनु। आप चाहे तो इस फेस पैक को 15 से 20 दिनों तक स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। यहाँ पे हमने नेचुरल एलोवेरा का यूज किया है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप मार्केट वाले एलोवेरा जेल का भी यूज कर सकते हैं। ये फेस पैक बहुत ही यूजफुल है। आप इस फेस पैक को जरूर ट्राई करिएगा। इससे आपकी स्किन में एक अलग ही निखार आएगा, एक अलग ही ग्लो आ जाएगा। आप देख के खुद हैरान हो जाएंगे। आप 3 से 4 बार इस फेस पैक को लगा करके आप देख सकते हैं। अगर आपको इसी तरीके के ब्यूटी टिप्स, हेल्थ टिप्स और रेसिपी और बच्चों से जुड़े हुए वीडियो देखने हैं तो आप हमारे चैनल ननद भाभी पे जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।